हेलो जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड राइडर। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप भी मेरे अच्छे होंगे। अच्छे नहीं, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होते होंगे। तो भाई, अभी हमने लास्ट वाली जो वीडियो डाली थी अपनी अलबेली के ऊपर, तो यार क्या ही हो रहा है अपनी अलबेली साथ में, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो चलो, वो टॉपिक हो गया अपनी अलबेली के बारे में। और कुछ दिन से, कुछ टाइम से देखो, हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू नहीं थे, वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो उस बीच में कुछ भाई पूछ भी रहे थे, अपनी जो पहला साथी था ना, अपना जो पहला साथी था यानी कि अपनी रानी, तो अपनी रानी के बारे में बहुत बंदे पूछ भी रहे थे, भाई आपने जब से अलबेली लिए तो अलबेली लेने के बाद में रानी तो आप मतलब दिखाते नहीं हो, यानी कि हमारी जो बजाज पैलेटिना थी हमने शुरुआत करी थी उसी से। जिन बंदों को तो नहीं पता, तो अपनी पैलेटिना से हमने भाई ऑल उत्तराखंड राइड भी करी थी। तो अगर आपने नहीं दी थी तो भाई आप मेरे चैनल पे जाते हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो कि हमने अपनी पैलेटिना से भाई कौन कौन सी राइड करी थी। तो अब क्या है ना, अब कुछ बंदे पूछ रहे थे कि भाई आपकी जो रानी थी, जो पैलेटिना था, नाम हमने रानी रखा हुआ था, जो हमारी रानी थी वो कहाँ है, कैसी है, क्या है, तो आप उस पर राइड क्यों नहीं करते? तो भाई आज हम मतलब उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि अपनी रानी, यानी कि अपनी बजाज पैलेटिना। रानी मैं इसलिए बोलता हूँ थी भाई, वो जो है ना, वो मैं आपको तो बता दूँ रानी है। एंड मैं आपको तो बता दूँ माइलेज के मामले में तो भाई उस तो रानी ही बोल सकते थी भाई, जो मतलब अब भाई आ रही है ना पैलेटिना, अब भी आ रही है, बट उनमें वो बात नहीं है जो उसमें है। यानी कि जो ओल्ड वर्जन जो पैलेटिना है ना, उसमें मतलब उसमें क्या ही बताऊं यार, उसका माइलेज, और माइलेज तो यार ज़बरदस्त है, माइलेज तो ज़बरदस्त है, तो इसीलिए मैं उसको रानी बोलता हूँ। और अब जो आ रही हैं पैलेटिना, उनमें वो बात नहीं है, माइलेज भी मतलब अच्छा खासा नहीं है, जो ओल्ड मॉडल थी जो पैलेटिना देती है, तो इसलिए मैं उसको रानी बोलता हूँ। तो भाई रानी के साथ में क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, तो भाई कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी भी और रानी की भी, कि रानी का जो इंजन होता है ना, वो पूरा भाई पूरा ठीक करवाना पड़ा, यानी कि पूरा इंजन उसका करवाना पड़ा था। इंजन उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल डैमेज हो गया था, पूरा इंजन में उसका काम हुआ था। तो इसीलिए उसकी कुछ कंडीशन भी, थोड़ा बॉडी से भी और थोड़ा वैसे भी, तो इसलिए उस पे हम ना तो राइड कर रहे थे और ना ही आप तो दिखा पा रहे थे। आज मैंने सोचा चलो अपनी रानी मतलब इस काबिल हो गई है कि आप लोगों से उसको रूबरू करा दें। एंड मैं आपको तो बता दूं, तो आज हम अपनी रानी तो आपसे थराने वाले हैं रूबरू। तो भाई देखते बताना और भाई कमेंट करते बताना रानी मतलब कैसी लग रही है। तो चलो आप तो दिखाते हैं। तो लो जी भाई, आपके सामने हाजिर है अपनी रानी। तो रानी मैंने आप तो बताया ना, रानी मैं इसको तो क्यों बोलता हूँ, ये माइलेज के मामले में भाई मेरे तो एकदम रानी लगती है। तो माइलेज इसका बहुत बहुत ज़बरदस्त है, जैसे मैंने आप तो अभी बताया है कुछ देर पहले, थी माइलेज इसका ज़बरदस्त है, मतलब जो ओल्ड मॉडल थी जो भी पैलेटिना है ना, माइलेज इसका बिल्कुल ज़बरदस्त है, तो इसलिए मैं इसको रानी बोलता हूँ। देखो अभी ये आप तो लग रहा था बिल्कुल न्यू जैसी लग रही होगी, तो बस यही है। और मैं आपको तो बता दूं इसमें क्या हुआ था, तो उस दिन पहले अभी इसका जो वाइजर था, ये वाला वाइजर भी भाई इधर से ये भी मतलब टूट गया था, यही मैंने दूसरा लिया है। और ये जो इसका मरदार था, इस पर भी मैंने फेंट वेंट कराया है। और सबसे खास बात भाई, आप तो लग रहा हो ना, देखो ये देखो भाई, ये जो इसका पेट्रोल टैंक है, इस पर जैसे साइन मार रहा है, तो भाई पेट्रोल टैंक तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू जैसा है। आप यार देखो, आप सोच ही सकते हो भाई क्या साइन मार रहा है। एंड मैं आपको तो बता दूं, मैंने इसमें कुछ चीज़ें न्यू ली हैं, जैसे थी पेट्रोल टैंक, नहीं पेट्रोल टैंक आप सोच रहे हैं, पेट्रोल टैंक भी मैंने दूसरा लिया है, तो पेट्रोल टैंक मैंने दूसरा नहीं लिया है। ये जो साइन मार रहा है ना, ये मैं आपको तो बता दूं भाई, इसमें जो इसका ओरिजिनल पेंट था ना, जो शोरूम से आया था, वो पेंट इसका छूटना स्टार्ट हो गया था। स्टीकर भी अपने इधर एक बंदा है जो टू व्हीलर पे डेंटिंग पेंटिंग करता है, तो मैंने उस बंदे से बोला और भाई उस बंदे ने त्याही बना दिया, देखो त्याही बना दिया, त्या साइन मार दिया। तो ये देखो भाई सब, तो उस बंदे तो बोला भाई इस तो थोड़ा अच्छा कर दो, तो उसने ये भी डेंट पेंट करा था और ये नीचे वाला मरदार भी डेंट पेंट करा था। और ये मैंने ये पूरा पार्ट इस साइड का भी और उस साइड का भी, और ये मैंने दूसरा लिया है बिल्कुल न्यू। और मेन चीज़ मैंने इसमें जो सीट थे ना, जहाँ से मैंने अपनी अलबेली की सीट बनवाई थी ना भाई, सीट बड़ी ओसम बनाता है भाई, देखो मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल बनाता है।
तो भाई बैठने वाला बंदा ही सोच सकता है भाई, इतनी कम्फर्टेबल है। एंड मैं बताता हूँ, ये जो पीछे वाला हैंडल होता है ना, इस तो भी मैंने पतली वाली जो रस्सी होती है उससे मैंने थवर थरा हुआ है। और दूसरी चीज़ अब मैं आप तो दिखाता हूँ। एंड भाई मैं आपको बता दूँ, ये जो मीटर है ना, इसका मीटर बिल्कुल टूट गया था, तो ये मीटर मैंने पूरा पूरा न्यू लिया है, पूरा न्यू। और ये इसका कुछ हैंडल होता जो पूरा सेट आता है, ये मैंने पूरा सेट इसका न्यू लिया है। एंड मैं आपको बता दूँ, एक स्विच मैंने इधर लगवाया, एक स्विच इधर लगवाया, ये स्विच जो है इससे चारों इंडिकेटर एक साथ जलती है। और इससे जो मेरी जो आधे मैंने फॉग लाइट लगवाई हुई है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये भाई, ये जो फॉग लाइट है ना, तो ये मैंने इसमें लगाई हुई है। देखो अभी ये देखो भाई, इसमें येलो वाइट, ये गोल्डन, ये येलो और वाइट दोनों, ये ब्लू एंड रेड, और ये ब्लू एंड रेड देखो। एंड भाई मैं आपको तो बता दूँ, ये फॉग लाइट की भी एक छोटी सी स्टोरी है। ये मुझे ये मैंने कैसे लगवाई थी और क्यों लगवाई थी, तो मैं आपको तो वो भी बताता हूँ। देखो ये फॉग लाइट है ना, ये फॉग लाइट भाई जिस टाइम पे अपनी अलबेली में सारा काम हुआ था ना, इंजन में सारा काम हुआ था, तो उस टाइम पे अपने तो जाना था हरिद्वार, यानी कि सावन में ही हमने इसमें ये काम करा था। अपने तो हरिद्वार जाना था और हमें अपने अलबेली तो ले आना था। जो इसकी हेडलाइट है ना, तो हेडलाइट की जो रोशनी है ना, वो बहुत ही लो है, तो इसलिए हमने सोचा यार रात में ऐसा ना होती हेडलाइट की रोशनी बहुत लो होने के कारण हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैंने इमरजेंसी में ये इसमें फॉग लाइट वगैरह, ये मेरे तो पड़ी थी 500 रुपये में, ये मुझे फिट करते दी थी उस बंदे ने। वो मतलब 5 तरह से ये मतलब जलती है, जैसा मैंने आपको तो दिखाया, एक येलो वाइट गोल्डन और ब्लू एंड रेड, और ब्लू एंड रेड जो डीपर में मारती है ना वो वाली, तो भाई ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड मैं आपको तो बता दूं भाई, अभी जो अपनी रानी है ना, अपनी रानी एकदम कंप्लीट हो चुकी है इस टाइम। मतलब ये इंजन से भी और बॉडी लाइन से भी इतनी मतलब ऑसम हो चुकी है यार। मुझे तो देखो, मुझे इतनी अच्छी लग रही है इस टाइम, इतनी तो मुझे पहले नहीं लग रही थी, यानी कि अब से 5-6 महीने पहले मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी अब लग रही है। तो अभी ये इंजन से और बॉडी लाइन से इतनी अच्छी लग रही है, और मतलब सही भी हो चुकी है कि अभी मैं इसको कहीं भी लेते जा सकता हूँ। बट अपनी जो रानी है ना, तो भाई अपनी रानी तो मैं दूर क्यों नहीं ले जाता हूँ, वो इसलिए कि ये 2 साल पहले, यानी कि 2 साल पहले ये जो भाई जो इसके पेपर है ना, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ये एक्सपायर हो चुकी है, तो इसलिए मैं रानी तो कहीं दूर नहीं ले जा सकता। बट अपना जो लोकल में है ना, लोकल में मैं मुझे अगर कहीं जाना हो, मार्केट जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो लोकल में मैं इसको चला लेता हूँ। तो दूर मैं इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि दूर भाई अगर डॉक्यूमेंट्स में ये एक्सपायर हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में कोई मिल जाए, मतलब पुलिस वाले मिल जाते हैं तो वो भाई चालान वालान काट देते हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा दूर नहीं ले जाता, तो इसलिए मैं इस तो लोकल में चलाता हूँ। अब जो दूर जाती है अपनी अलबेली जाती है, अलबेली तो भाई अलबेली है, तो अभी जो अगली वीडियो होने वाली है वो अपनी अलबेली के ऊपर होने वाली है। अलबेली आप तो अगली वीडियो में भाई एकदम वैसे ही लगने वाली है जैसी वो थी पहले, जैसी हमने बनाई हुई थी। तो हेलो, आई होप कि आप तो ये वीडियो पसंद आई हो, और अपनी रानी तो देखने के बाद में आपको तो भी अच्छा लगा हो जितना मुझे लगा है। मुझे पता है आपको तो भी अच्छा लगा हो रानी से मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कमेंट करते बताना कि आप कौन कौन रानी तो फिर से देखते खुश हुआ, और वीडियो तो लाइक कर देना। जिस भाई ने चैनल तो सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आप तो अगली वीडियो, तो भाई प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस थोड़ा सा ही हम दूर हैं, बस थोड़ा सा ही, तो प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो मिलते हैं आप तो अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।